चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं सोनाले गांव, जहां पर डीवाई फाउंडेशन के बैनर तले बालाजी सशक्त 2020 की शुरुआत की गई। जिस तरीके से आगाज किया गया इस महाकुंभ का आप देख सकते हैं, वहां पर आए हुए मेहमानों ने जमकर बालाजी चषक के आयोजक दयानंद मोतीराम चोरगे का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दयानंद चोरगे ने जिस तरीके से कार्य किया है, सचमुच अपनी लोकप्रियता के लिए वो जाने जाते हैं और उनकी लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ी हुई है, सारे लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया है वो सराहनीय रहा, वो काबिले तारीफ रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आरसी पाटिल जी आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे नरेंद्र पवार जी, जो विधायक हैं, वो भी वहां पर आए थे। सत्यजीत तांबे भी वहां पर आए थे, जो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। सत्यजीत तांबे ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दयानंद मोतीराम चोरगे के लिए दरवाजा बिल्कुल कांग्रेस का खुला हुआ है, वो कभी भी आ सकते हैं। मुझे आज तक पता नहीं कि आखिर ये इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी थी। खैर, जो भी होगा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पर वहां पर आए हुए मेहमानों ने, आए हुए खिलाड़ियों ने जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन की सराहना की, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और खास करके डे नाइट इस मैच को जिस तरीके से खूबसूरत ग्राउंड सजाया गया है, कह सकते हैं कि दुधिया रोशनी में खेले जाने वाला यह मैच सचमुच भिवंडी शहरवासियों के लिए एक गौरव का विषय रहा है। हम आपको लेके चल रहे हैं सोनाले गांव के उस ग्राउंड में, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और खास करके वहां पर खिलाड़ियों ने जिस तरीके से अपना प्यार, अपना सम्मान दिया है दयानंद मोतीराम चोरगे को, वही दयानंद मोतीराम चोरगे की पूरी टीम ने खिलाड़ियों का स्वागत किया, आए हुए मेहमानों का स्वागत किया, और वहां पर जो पत्रकार बंधु गए थे वहां पर भी उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम सभी समन्वय के साथ इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, यही हम आपसे आशा करते हैं। डीवाय फाउंडेशन च्या वतीने दयानंद चोरगे यांनी आज बालाजी चषक या क्रिकेट स्पर्धेचं या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे। त्याच्या उद्घाटनासाठी मी आहे, नरेंद्र पवार साहेब आहेत, रमेश पाटील साहेब आहेत, आरसी पाटील साहेब आहेत, आम्ही सर्वजण या ठिकाणी कार्यक्रमाला चालवतो। अतिशय चांगलं नियोजन दयानंद चोरगे यांनी केलेलं आहे आणि सगळ्या पक्षाच्या लोकांना इथं आमंत्रित करून त्यांनी एक अजातशत्रू व्यक्तिमत्व असल्याची चुणूकच या ठिकाणी दाखवलेली आहे। तर या स्पर्धेच्या निमित्ताने मी दयानंद चोरगे यांना देखील भावी राजकीय वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो। अच्छा, तुम्ही सांगितलं होतं की त्याबद्दल काय सांगाल आता तुम्ही? नाही, संपर्क कायमच आहे। शेवटी राजकारण एका जागेवर असतं, वैयक्तिक संबंध एका जागेवर असतात, आणि राजकारणाच्या पद्धतीने चालू राहतं, वैयक्तिक जे संबंध असतात तेही चालू राहतात। परंतु ते काँग्रेसमध्ये होते तोपर्यंत त्यांचं चांगलं चाललं होतं, कशाला तिकडे गेले हा प्रश्न आम्हाला सगळ्यांना पडला होता। तरी त्यांनी काँग्रेसमध्ये असताना आम्ही एकत्र युवक काँग्रेसमध्ये काम केलेलं आहे, काँग्रेस पक्षामध्ये एकत्र काम केलेलं आहे, त्यांचे आमचे घरोब्याचे संबंध आहे, आणि म्हणून त्यांचं चांगलं व्हावं एवढीच आमची इच्छा आहे, बाकी काय। अच्छा, तुम्ही पुन्हा येणार नाही? त्यांच्यासाठी आमचं दार कायम खुलं आहे, त्यांनी कधी यावं त्यांचं स्वागत आहे। तिकडे खासदार पण दिसले नाही कार्यक्रम, प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये असतात खासदार, त्यांचा अंतर्गत प्रश्न त्याविषयी मला माहिती।